इसराइल को बार बार युद्ध की धमकी दे रहे ईरान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने ड्रोन प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन नए प्रतिबंधों पर अमेरिका समेत उसके 45 मित्र देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि अब ईरान को अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए जरूरी कलपुर्जों की भारी किल्लत होने वाली है, क्योंकि ईरान इन दिनों अपने ड्रोन प्रोजेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के विकास में पुरजोर तरीके के साथ जुटा हुआ है, जिनमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट के लिए वो कई विदेशी कंपनियों पर भी निर्भर है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ईरान अपनी जिस ताकत के भरोसे इसराइल को मिटा देने की धमकी दे रहा है, ईरान के उस फन को कुचलने की तैयारी कर चुका है अमेरिका। हमास इसराइल युद्ध के बीच ईरान गाजा पर इसराइल की बमबारी से बौखलाया हुआ है। वो बार बार युद्ध में सीधे उतरने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसराइल अपने मिसाइल धमाकों की गूंज में ईरान की धमकी को अनसुना कर दे रहा है। लेकिन ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की पूरी नजर है, इसीलिए ईरान हमास इसराइल युद्ध में कूदे उससे पहले ही अमेरिका ने उसके पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोजेक्ट पर नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर ये प्रतिबंध ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर 2015 में सुरक्षा परिषद की ओर से लगाए गए प्रतिबंध खत्म होने वाला है। यानी कि ईरान जिन प्रतिबंधों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अमेरिका ने नए सिरे से बढ़ा दिया है। इससे ईरान का आग बबूला होना तय है। इससे पहले पिछले महीने ही नेटो के 3 अहम देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला लिया गया है, और ईरान को चेताया था कि अगर ईरान ने इन प्रतिबंधों की लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कुल मिलाकर अरब देशों का लीडर बनने की ईरान की चाहत पर अब अमेरिका समेत यूरोप के नेटो देशों ने पानी फेर दिया है। ईरान पर लगा नया अमेरिकी प्रतिबंध उसके लिए बड़ा झटका क्यों है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध में दुनिया ने कीव में ईरानी ड्रोन से मची तबाही देखी, जिसके बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। यूक्रेन से एक ईरानी ड्रोन के मलबे को हासिल कर जब उसकी जाँच की तो उसके होश उड़ गए। जाँच में पता चला कि ईरानी ड्रोन में लगे आधा से ज्यादा कलपुर्जे अमेरिकी कंपनियों के बनाए हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका को ईरान की चालाकी और चालबाजी समझने में देर नहीं लगी, और उसने अमेरिकी कंपनियों से कलपुर्जे आयात करने वाली करीब एक दर्जन विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। इससे ईरान छटपटा उठा, क्योंकि कलपुर्जों की सप्लाई बंद होने तक ईरान का ड्रोन कार्यक्रम ठप पड़ गया, जिसके बाद वो रूस को भी ड्रोन सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ईरान ने रूस के साथ समझौता कर मॉस्को के करीब एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका को पता चला कि ईरान ने कुछ देशों की मदद से अपना ड्रोन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों में ईरान के साथ साथ हांगकांग, चीन और वेनेजुएला के कुल 11 कारोबारियों, 8 संस्थाओं और 1 जहाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सभी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे। यही नहीं, अमेरिका ने 2 ईरानी और 4 रूसी संस्थाओं पर भी पाबंदी लगाई है। इन संस्थाओं पर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए ईरानी ड्रोन सप्लाई करने का आरोप है। नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए अमेरिका ने चिंता जताई है कि वो और उसके सभी 45 शांति प्रिय मित्र देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी प्रोग्राम के विकास से बहुत चिंतित हैं।
इसीलिए तेहरान को चेतावनी देने के लिए उन्होंने ये पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ईरान पर लगी नई पाबंदियों के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका समेत 45 देशों की सरकारी और निजी कंपनियां ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कल पुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति रोक देंगे, जिससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूएवी प्रोजेक्ट दोनों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। जमीनी हमले का इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस की तरह लड़ने वाले हिजबुल्ला के 45,000 लड़ाकों को इसराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए